क्यों हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। ये चैप्टर 3 है और क्लास 3 की ऑक्सफोर्ड एडवांटेज साइंस है, क्लास 6 की ऑक्सफोर्ड एडवांटेज, ठीक है। देखो सेपरेशन कहने का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि कोई आपका आप घर में को बहुत सारे चीज़ ऐसे चीज़ लाते हो जिसमें कुछ अनवांटेड चीज़ होते हैं। अनवांटेड चीज़ मतलब कि जो आपके लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं चावल में कंकड़ का, तो कंकड़ एक तरह से अनवांटेड चीज़ है जो हम चावल के साथ नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को हम रिमूव करेंगे, हटा देंगे, तो यही एक सेपरेशन हो गया। मतलब कि कुछ भी सब्सटेंसेस हो आपके पास, कुछ भी मटेरियल्स हो जिसको आप क्या करोगे, अनवांटेड चीज़ को उसमें से हटा दोगे, ठीक है। ओके, अब जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि चावल वगैरह में बालू वगैरह आ गया, तो वो हमारा अनवांटेड चीज़ हो गया। तो यही सब चीज़ हमको कैसे हटाना है, ठीक है। एक कुछ होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि अपने हैंड से ही उसको हटा देते हैं, चावल वगैरह देखते हो ना आप चुनते हुए, बहुत सारा देखे होंगे घर में भी मम्मी लोग को। तो यही सब सारा चीज़ को हम लोग इसमें एक्सप्लोर करेंगे, कैसे उसको हटाया जाता है, क्या मेथड है, ठीक है। मेथड उसके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि हम अनवांटेड चीज़ को हटाएंगे तो उसका मेथड क्या है, आखिर कैसे हम उसको हटा सकते हैं। हाथ से तो बहुत सारी मुश्किल होती है ना हटाने में, सब सारा चीज़ बहुत सारे रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए कुछ मशीन आता है या क्या है क्या नहीं, चलो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन, वही चीज़ है कि सेपरेट हम करने के लिए किसी भी चीज़ को क्या चीज़ मेथड है, कौन सा मेथड के थ्रू हम किसी भी चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं अनवांटेड चीज़ से। ओके डियर, सो अभी हम लोग समझेंगे। बहुत सारे मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं जो एक साथ कोई भी चीज़ सब्सटेंस जो साथ में मिक्स हो जाता है, जैसे चावल कंकड़, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो एक हमारा फर्स्ट वाला मेथड हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, एक थ्रेसिंग होता है। थ्रेसिंग हमारा क्या मेथड है और इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आप लोग समझो और डिटेल अच्छे समझना, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आपको नहीं समझ में आने वाला है इस टॉपिक में, ठीक है। ग्रेन्स सीड्स मतलब कि दाना वगैरह हो गया या सीड्स वगैरह हो गया कोई भी प्लांट्स का, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब का, ये सब हम लोग क्या है, ये हमको ये फूड देता है, हम लोग इसको खाते हैं, ठीक है। राइस हम लोग चावल खाते हैं, व्हीट से हम लोग क्या करते हैं, गेहूं जो होता है हमारा उससे हम लोग रोटी बनाकर घर में खाते हैं, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। आटा जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, चपातीज बनाने के लिए यूज करते हैं, फ्लार मतलब आटा होता है, ठीक है, जो कि वीट का ग्रेन से निकलता है और ग्रेन को ही हम लोग चक्की में पिसवाते हैं तब जाकर उससे हमको आटा मिलता है। और ये क्रॉप को जब हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि ये जब क्रॉप होता है तो इसको जब हार्वेस्ट करते हैं तो मतलब कि कट करते हैं, कैसे हो गया ये देखो, ये जो है ना वीट का क्रॉप्स है, ये वीट्स का प्लांट्स है, यही ये खेती हो रहा है। इस जब हार्वेस्ट मतलब कि ये हो जाता है तो इसको कटिंग किया जाता है, हार्वेस्ट मतलब, ठीक है। और इसका जो ये इस तरीका से देखने को आपको मिलेगा ऐसा, ठीक है, ऐसे लगे हुए रहते हैं इसमें सीड्स। तो इस सीड्स को अलग कैसे करेंगे, क्योंकि सीड्स को ही ना हमको चाहिए, बाकी ये सब जो दिखाई दे रहा है ये हमको चाहिए, ठीक है, ये वाला तो नहीं ना चाहिए, तो इसको हम अलग कैसे करेंगे। तो ये अलग करने के हमारे पास मेथड है जिसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं, इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो, ठीक है। अगर एक भी इसमें पड़ गया ये तो सही नहीं लगता है, वो आपका मिक्स हो जाए। और इसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे, ये वाला जो है ना इसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे, और इससे हम लोग ग्रेन्स को अलग करना है। सो पहले हम लोग थ्रेसिंग का डिफिनेशन को देख लेते हैं। थ्रेसिंग आपका ये है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टिंग क्रॉप टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। वो प्रोसेस जिससे हम, जैसे कि ये वाला जो है प्लांट्स है, इसको हम हार्वेस्ट करके कट करके इसको स्टॉक से दाना को अलग करना, इसी चीज़ को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। लेकिन कब अलग करेंगे, कैसे करेंगे इस चीज़ को, पहले तो हम लोग देखें क्रॉप्स लगाएं, खेती की, खेती करने के बाद ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद ये पूरी तरह से ड्राई हो गया, सूख गया, अब इसको हम कट किए, कट करने के बाद इसमें से बीज को अलग करना है हमको, सीड्स को। तो अलग करने के लिए क्या करना है, ये मैनुअली किया जाता है, कोई मशीन के थ्रू नहीं किया जाता है ना, मशीन के थ्रू अभी हम नहीं बता रहे कि मशीन के थ्रू इसको, मशीन के थ्रू भी होता है लेकिन अभी मैनुअली कर रहे हैं हम लोग, हैंड के थ्रू कर रहे हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो जब सूख जाता है तो कुछ इतना लेकर मुट्ठी में लेने के बाद ये क्या करते हैं कि एक आपको यहाँ पे कुछ ऐसे रख लो जिसमें आप पीट सको, आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगे उसको अभी आप रख सकते हो, ऐसा नहीं कि यही चीज़ रखना है। और रखने के बाद इसमें यहाँ पे क्या करना, बीट करना, इसको जोर जोर से पटकना है। इसमें पटकने से क्या होगा कि इसमें से जो भी ग्रेन्स होंगे, सूखा हुआ रहेगा तो ग्रेन्स आपका यहाँ आ जाएगा और जो इसमें आपका स्टॉक है वो आपके हाथ में ही रहेगा, ठीक है। तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, स्टॉक से ग्रेन को आप अलग कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा
सिंपल मेथड है और इसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, बुलेक के थ्रू भी करते हैं, मतलब बैल जो ये काऊ वगैरह होते हैं ना, काऊ से भी करते हैं। आप देखो ना, चावल वगैरह जब ये राइस वगैरह होता है तो राइस में क्या चारों तरफ फैला देते हैं राइस को, और फिर क्या करते हैं कि इस पर काऊ वगैरह मूव करते रहती है, ठीक है। बीच में खंभा लगा हुआ रहता है और उनका रस्सी बांधा हुआ रहता है, ठीक है। और वो फिर क्या करेगी, चारों तरफ मूव करेगी, मूव करने उनका पैर के कारण क्या होता है, उनका पैर थोड़ा इतना मजबूत होता है कि वो चलेगी तो उसमें से क्या होगा, स्टॉक से क्या होगा कि मतलब कि जो ये धान का बीज, इससे क्या होगा कि आपका अलग हो जाएगा ग्रेन्स, ठीक है, ऑटोमेटिक अलग होते रहेगा। और जब ये पूरी तरह से हो जाता है, बहुत कंटिन्यू किया जाता है इस प्रोसेस को, और करते करते जब देखते हैं कि उसमें से सारा प्रोसेस, सारा ग्रेन्स अलग हो गया, तब उसको हटा दिया जाता है और फिर ऊपर से पुआल को हटा दिया जाता है और नीचे में ग्रेन्स बचते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। तो थ्रेसिंग मशीन के थ्रू भी किया जाता है, अभी हम लोग मैनुअली देखे हैं, और मशीन के थ्रू भी किया जाता है जब ये हार्वेस्ट होता है, और इसमें दोनों हो जाता है। जैसे कि एक तरफ से ये क्या है कि एक तरफ से ये कट भी रहा है, देखो यहाँ पे कैसे मशीन के थ्रू किया जा रहा है, एक तरफ से ये कटिंग भी हो रहा है, हार्वेस्ट भी हो रहा है, और प्लस में मशीन के थ्रू ये क्या हो रहा है कि इसका ग्रेन्स अलग हो रहा है एक जगह पे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, मशीन के थ्रू हमारा भी काम बहुत सारा ईजी हो चुका है। जैसे हम लोग सिंपल मशीन में भी पढ़े होंगे, आप लोग फिफ्थ क्लास में एक चैप्टर है सिंपल मशीन, उसमें पढ़े होंगे, मशीन के थ्रू हमारा काम तो बहुत सारा ईजी हो जाता है। और मशीन के थ्रू क्या है कि पूरी तरह से एकदम अच्छा से ग्रेन्स बाहर आता है फ्रेश तरीके से, ठीक है। उसमें किसी भी तरह कोई अनवांटेड चीज़, मतलब कि कोई अलग से खुला हुआ पुआल वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है, वो फ्रेश निकलता है। हम लोग हाथ से जो करते हैं थोड़ा सा उसमें गंदगी हल्का फुल्का आ ही जाता है, ठीक है, लेकिन फिर उसको फिर से उसको किया जाता है, मतलब कि उसमें डबल मेहनत लगता है फ्रेश करने में। और जैसे कि अगर हम लोग थ्रेसिंग कर लिया, इसमें तो अभी भी ग्रेन्स तो इसमें अभी भी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत पुआल वगैरह या कुछ छोटे मोटे स्टॉक वगैरह होंगे, ठीक है। तो उसको अलग अब कैसे करेंगे, तो अलग करने का एक और सिस्टम है, उसको हम साथ में लेकर सभी को साथ में लेने के बाद एक विनोइंग प्रोसेस है। विनोइंग प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं कि उसमें जो थोड़ा मोड़ा जो गंदगी होगा उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जो घास फूस बचे हुए होंगे उसमें दाना में, तो उसको हम हटा देते हैं विनोइंग प्रोसेस। अभी हम लोग विनोइंग प्रोसेस के बारे में ही देखने वाले हैं। So, देखिए विनोइंग ये होता है, विनोइंग क्या होता है कि इसको पहले हम लोग डिफिनेशन को समझ ले, बाकी हम आपको खुद से समझा देते हैं, ठीक है। द मेथड यूज टू सेपरेट चॉप फ्रॉम द ग्रेन्स बाई विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। देखो क्या होता है कि जैसे कि आपका ये ग्रेन्स है, ठीक है, इस ग्रेन्स में क्या होता है चॉप हो जाए, चॉप मतलब कि हल्के फुल्के घास फूस लग रहते हैं जो हल्का फुल्का उसमें आ जाता है, मिक्स हो जाता है, जो हल्का रहता है मतलब कि लाइट वे में रहता है, लाइट वे जैसे कि हवा उस पर आया तो उड़ जाएगा, इस तरीका से रहेगा। पुआल वगैरह देखो ना, पूरा जिसको हम लोग बोलते हैं उस तरीका से घास वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अलग करने का क्या प्रोसेस होता है कि जैसे कि अगर हवा अच्छा चल रहा है, ठीक है, हवा चल रहा है, तो हवा चलने के बाद क्या करेंगे इन लोग, थोड़ा सा लेकर इस तरीका से ये एक कंटेनर होता है, इसमें लेकर ऊपर से ये क्या करते हैं, थोड़ा सा हाइट से, जैसे कि देख रहे हो ना कितना हाइट है, और वहाँ से धीरे धीरे गिराते हैं। तो गिराने से क्या होगा कि जो दाना होगा, जो भारी चीज़ होगा, यहाँ आकर गिर जाएगा, और जो हल्का चीज़ होगा हवा में उड़कर एक तरफ चला जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये लाकर इकट्ठा हो चुका है। तो यही प्रोसेस होता है विनोइंग, हम लोग इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, थ्रेसिंग कर लिए, ये ग्रेन्स निकल गया हमारा, और फिर आप विनोइंग कर लो तो क्या हो जाएगा कि आपका ग्रेन्स बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अगर आप हाथ से कर रहे हो तो, मशीन से कर रहे हो तो विनोइंग करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग हैंड पिकिंग को देखने वाले, हैंड पिकिंग क्या होता है, ये अक्सर आपके घर में भी देखने को मिलेगा, आज भी आप देख सकते हो अपने घर में। क्या होता है कि जैसे घर में चावल वगैरह बनते हैं, तो चावल बनने के बाद क्या होता है कि मम्मी उसको क्या करती है, उसमें से कि जो कंकड़ वगैरह होते हैं, स्टोन्स वगैरह, जो अनवांटेड चीज़ हम जिसको बोलते हैं, अनवांटेड ग्रेन्स जिसको हम लोग नहीं खा सकते, उसको अलग करती है, ठीक है, अपने हाथों से चुनकर। तो हाथों से चुनना ही को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। हैंड मतलब क्या होता है, हमारा हाथ होता है, पिकिंग मतलब उसको चुनना, ठीक है। तो हैंड पिकिंग मतलब आज से अगर कभी भी आपका एग्ज़ाम वगैरह में आया तो हैंड पिकिंग मतलब याद कर लेना, और अगर आपको इसका डिफिनेशन नहीं याद हो तो आप इसको हिंदी में भी लिख देना, टीचर्स ये मार्क्स आपका नहीं काटेगा, इतना कन्फर्म हो जाएगा। क्यों, इसलिए मैं मार्क्स नहीं काटेगा, जैसे कि नहीं होता है कि हम लोग को इसके बारे में पता है लेकिन हम उसको इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे। आप लोग इंग्लिश तो स्ट्रांग करो, अच्छा बात है, लेकिन अगर नहीं लिख पा रहे हो तो क्या करो कि आप उसको हिंदी में लिख दो। हैंड पिकिंग का मतलब हम बता दिए, तो आप अपने लैंग्वेज में, अपने ही लैंग्वेज में
जैसे मम्मी करती है आप उसी को एक्सप्लेन कर दो। टीचर्स मार्क्स देगा 4 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स जरूर दे देगा, नहीं के जगह पे तो हाँ सही है ना, तो ऐसे करना आप लोग, ठीक है। तो हैंड पिकिंग वही होता है कि घर में जो चावल वगैरह होते हैं उसमें से अनवांटेड चीज़ मतलब कि जो कंकड़ वगैरह होगा उसको अलग कर देना, स्पोर्ट करके उसको देख देख के अच्छे से, ठीक है। और यही से यही मेथड को हम लोग हैंड पिकिंग बोलते हैं, इस मेथड को, ठीक है। और अगर उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं तो हम लोग खाते हैं तो देखते हो ना कि कंकड़ वगैरह पड़ जाता है आपके खाने में तो कितना दिक्कत होता है। ओके, अब देखो ये मेथड कब प्रेफर्ड किया जाता है, जैसे कि द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल, जो क्वांटिटी है ना मिक्सर का वो थोड़ा बहुत हो तब हम ये प्रोसेस को अपना सकते हैं। जैसे कि आपके पास चावल है और उसमें थोड़ा बहुत कंकड़ है तब ये प्रोसेस आप कर सकते हो। ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा करने में बहुत दिक्कत होगी ना, ज़्यादा कंकड़ वगैरह तो कितना हम चुनते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत जैसे घर में चावल आता है तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता ही है, इसीलिए उसको चुना जाता है। अब ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो था अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं मतलब कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अनवांटेड मतलब आप लोग समझ रहे हो, जिसको जैसे कि इसमें जो कंकड़ है ना वो अनवांटेड हो गया, जो हमारे लिए यूज़फुल ना हो वो हमारा अनवांटेड, उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जो साइज होगा और शेप होगा और कलर होगा अनवांटेड सब्सटेंसेस का वो डिफरेंट होगा जो यूज़फुल वंस है। अब जैसे कि आपका चावल है, चावल आपको देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन कुछ कंकड़ वगैरह देखने में अलग लगता है ना, तो वही चीज़ हमारा अनवांटेड सब्सटेंसेस हो गया, उसको भी हम अनवांटेड बोल सकते हैं। सब जगह एक अब कैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सब अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अब एक उसमें से नहीं पढ़ने वाले तो वो आपका एक तरह से उसको हम कह सकते हो अनवांटेड है, उस बीच में उसके लिए कुछ अलग वे है, सबका अलग अलग होता है ना। ओके, और जैसे कि बहुत सारे लोग बच्चे डांस करने वाले हैं उसमें एक सिर्फ पढ़ने वाले वो डांस नहीं करते, तो ये पढ़ने वाले स्टूडेंट वहाँ पे अनवांटेड हो गया, वहाँ पे ये ख़राब नहीं है लेकिन वहाँ आपके लिए अनवांटेड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका सेविंग है। सेविंग क्या होता है, सेविंग भी आप घर में डेली ही देखते होंगे। इसमें क्या होता है, ये कंपोनेंट जो होता है मिक्सचर वो अलग होता है और उसको सेपरेट किया जाता है साइज से। जैसे कि आपका जो अनवांटेड सब्सटेंस है इसमें कौन सा हो गया, आप जैसे कि आटा घर में चलते हो तो आटा में चलते हो तो ऊपर में देखना कि आपका जो आटा है नीचे से वो चलनी से निकल कर आ जाता है नीचे उतना, और फिर उसके बाद जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है ऊपर ही रह जाता है क्योंकि वो उतना साइज जो होता है इसके साइज के मुकाबले बड़ा होता है, इसके कारण ऊपर ही वो छन कर रह जाता है। अब स्मॉलर क्वांटिटी क्या होता है कि इससे पास कर जाता है, तो जो स्मॉलर क्वांटिटी है वहाँ पे वो आपका क्या होगा, यूज़फुल सब्सटेंसेस हो गया। इसमें अगर स्टोन होंगे या कुछ किसी तरह का घास फूस होगा, ठीक है, तो यहीं पे रह जाएगा और इससे क्या होगा कि ये हमारा मटेरियल बिल्कुल फ्रेश आएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम सेपरेट कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को, फ्लावर आटा वगैरह को। और सीविंग मतलब कि उसको चालना, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे सीविंग बोल रहा है ना, सीविंग इसलिए नहीं, ये एडवाइज़ नहीं किया गया है कि आप ऐसा करो। सीविंग करने से क्या होता है कि आपका जो आटा है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जिसके थ्रू अगर चलनी में छान रहे हो तो कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें रह जाते हैं, तो फिर आपको इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इसलिए एडवाइज़ नहीं किया गया है ऐसा करने के लिए। अगर आपको आपको लग रहा है कि नहीं आपका आटा में किसी तरह कोई एक्स्ट्रा अनवांटेड सब्सटेंसेस नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है वो सब चीज़, तो वो अपने हाथ से ही कर लो, ठीक है। आप इसको चलनी को छालन ये चीज़ को चालना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, फिर खाने से आपको किसी तरह कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, मिलेगा लेकिन उतना कम मात्रा में मिलेगा। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे हमको काम चल जाएगा, इसमें किसी तरह कोई ख़राब चीज़ नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। अगर ज़्यादा है स्टोन्स है पेबल्स हैं तो तब क्या कर सकते हो कि आप उसको हटा सकते हो, चलनी से छान सकते हो, तब जाकर उसमें जो भी स्टोन्स वगैरह होंगे पत्थर वगैरह या बालू वगैरह तो वो छल जाएगा और फिर आप उसको अच्छे से खा सको। अगर है तो ही, अगर नहीं है तो आप उसको नहीं छानो, और है तो ज़रूर छानिए क्योंकि वो ज़रूरी भी है, आपके पेट में जाएंगे तो उससे आपको नुकसान भी करता है, ठीक है। अब देखो डियर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन। तो बाबू ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं और आप सोचोगे कि सिर्फ हमको ये पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ स्पेशल इसी का वीडियो बना हुआ है तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेंगे, बाकी हम यहाँ पर पढ़ा दिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और समझ में आया हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। बाय, टेक केयर।